क्लास 11 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी के और बहुत सारे सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 4 है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 and 3, 4। यानी कि वो कह रहा है कि एक बिंदु जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर है, वो जो है 7, 6 और 3, 4 दो पॉइंट हैं। पी एक पी है और 7, 6 क्या है, पी है, और जो है 3, 4 जो है वो क्या है, क्यू पॉइंट है। तो पी क्यू के जो है आपका पी क्यू दो पॉइंट हैं, उनसे जो है एक पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित है, उसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस का मतलब एक्स ओ एक्स डैश के ऊपर है और इनसे बराबर दूरी पे है, तो ये इस साइड तो हो नहीं सकता, यहाँ पर कहीं होगा जहाँ से मध्य यहाँ पर इसकी दूरी है। वैसे आपको यहाँ ग्राफ में सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बना रहा हूँ, इसकी पेपर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको ये देखिए ये आर पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो हैं, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे हमेशा जीरो होते हैं, तो आर के कोऑर्डिनेट हुए एक्स कॉमा जीरो। तो आर पॉइंट जो है पी और क्यू से सम दूरस्थ है, बराबर दूरी पर है, तो जो है इसका मतलब ये हुआ कि पी आर और क्यू आर वो दोनों समान हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हमने यहाँ लिखा लेट आर जो है एक्स कॉमा जीरो इज ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी, और पी पॉइंट है हमने लिया वो है 7, 6 और क्यू पॉइंट दूसरा पॉइंट है क्यू जो कि है 3, 4। तो इन दोनों पॉइंटों से वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ये जो पी आर है, पी आर लेंथ है, ये इसके क्यू आर लेंथ के ये वाली के इक्वल है, ये दोनों बराबर दूरियाँ हैं, समदूरस्थ हैं। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट लिखे 3, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि R, P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब PR और PQ इक्वल होंगे, तो PR और PQ इक्वल हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला से PR की जो वैल्यू होगी और QR की वैल्यू वो भी इक्वल आएगी। तो यहाँ पर जो है PR की वैल्यू हम जो है ऐसे निकालेंगे कि 7 - x कर सकते हैं या x - 7 भी कर सकते हैं, तो x - 7 का होल स्क्वायर और 0 - 6 का होल स्क्वायर, पहले किसी को रखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और QR में क्या हो जाएगा, x - 3, आर के कोऑर्डिनेट एक्स है और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो x - 3 का स्क्वायर और 0 - 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर x - 7 का स्क्वायर का x का स्क्वायर और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, यानी कि माइनस के 14x और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और माइनस के 6 का स्क्वायर जो है प्लस के 36 हो गया। दूसरी साइड x का स्क्वायर और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, यानी कि माइनस के 6x और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और माइनस के 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों उसके पहले जो है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस के 85 आ गया, और दूसरी साइड हो गया x स्क्वायर माइनस के 6x और 9 + 16 हो गया 25। अब उस दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो उससे क्या होगा कि दोनों साइड के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो हट जाएंगे, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम इसका दोनों साइड का वर्क कर देंगे ताकि वर्गमूल हट जाए, और ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 25। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस के 14x और दूसरी साइड माइनस के 6x, तो ये इधर आएगा तो प्लस के 6x हो जाएगा और माइनस के 14x, और ये है इधर 25 और प्लस के 85 दूसरी साइड से इधर आएंगे तो माइनस के 85 हो जाएंगे। तो 6x में से 14x गए तो माइनस के 8x बचे, और 25 में से 85 गए तो माइनस के 60 बचा, तो x हुआ माइनस के 60 अपॉन में माइनस के 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 4 से काटेंगे 2 और इसको 4 से काटेंगे 15, तो ये आ गया x हो गया 15 अपॉन में 2 और या 7.5
यूनिट। तो एक्स जो है 7.5 आ गया, इसका मतलब आर के कोऑर्डिनेट होंगे 7.5, 0 या फिर 15/2, 0 भी लिख सकते हैं। ये दोनों इसके आंसर हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और इसी तरह की वीडियो देखना है तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब कर